तो भाई लोग, हम लोग अमेरिका से निकल के जालुकबारी और अमीनगांव, अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख के रखा है बोर्ड में टू डीसी ऑफिस कामरूप असम। तो हम लोग शायद कामरूप पे हूँ। गुवाहाटी वहाँ पे रह गया है, ये देख सकता है ये होराईगढ़ ब्रिज। हम लोग अगेन जा रहा हूँ अभी गुवाहाटी को बाय बाय करने के लिए, गुवाहाटी को बाय बाय करके जा रहा हूँ। ये देख सकता है हम लोग का ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र। हे भगवान, हमें आशीर्वाद चाहिए आपका, हमें आशीर्वाद देना। हम जा रहा हूँ अयोध्या राम मंदिर पे। बस हमें मेरा पैर का कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गया है अभी, मतलब चप्पल भी पहन नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, पूरा देखो ऐसा हो गया है। यही नहीं, दोनों पैर का कंडीशन ही इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे बैंडेज लगाया था, यहाँ पे हैंडी। हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय श्री राम। मैं प्रियम सिक्कू, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे नए एपिसोड ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, थंबनेल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा ये जो वीडियो है मैं किस ऊपर बनाने वाला हूँ। सो हाल ही में पिलार आप लोगों को तो पता ही है, हमारा मिसिंग कम्युनिटी के दो लड़के साजन को डोले एंड देवेंद जो है, इतना बड़ा कदम उठाया है। सो हमारा नोटिस असम को रिप्रेजेंट करके वो लोग पैदल यात्रा पे निकल रहा है, और 20 तारीख से वो लोग पैदल यात्रा शुरू किया है। असम तो अयोध्या एंड दिल्ली उन दोनों जाने वाले हैं। सो उन लोग को पूरा सपोर्ट कीजिए गाइस। देवेंद साजन को एंड देवेंद जो कदम उठा है बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। वो पीएम मोदी सर को भी मिलने वाला है कि हमारा मिसिंग ट्राइबल एरिया में कितना समस्या है, असम में कितना प्रॉब्लम है, उन दोनों सर के आगे प्रस्ताव रखने वाले। मुझे विश्वास है क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर सर जो है उन दोनों का जो प्रस्ताव है एक्सेप्ट करे, और हमारा जो दोनों भाई को पैदल के यात्रा करना बहुत मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र करने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तीन दिन लगता है उन लोग, लेकिन पैदल के जा रहा है ये मामूली बात नहीं है गाइस। और उन लोग का तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगा ही, और हमारा देश में तो जितना भी ऐसे लोग सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, पैदल यात्रा करने वालों को सपोर्ट करता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये दिमाग में नहीं आता है हमारा। इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान, सब एक साथ जुड़ के मदद करते हैं। मुझे पता है, हम देखा है मीडियाओं पे, और उन दोनों को भी मदद करेगा, ऐसे ही मदद लेके मदद भी कर रहा है उन लोग, आश्रय ले लेके उन लोग 20 तारीख से निकला है। आज असम बॉर्डर पार करने वाले सिक्स डेज हो गया शायद, और वो हमारा असम को रिप्रेजेंट करके जा रहा है। तो हम असम लोग बहुत सपोर्ट करना चाहिए, और उन लोग दिखाना चाहते हैं हमारा नोटिस में भी सनातन धर्म का कितना राम भक्त है, वही दिखाने वाले हैं। उन दोनों सबको मैसेज देने वाले हैं, पैदल के यात्रा करने वाले हैं, ये मामूली नहीं है पैदल के यात्रा करना, इतना किलोमीटर पैदल यात्रा करना मामूली बात नहीं है, बहुत दिक्कतें आएगी। लेकिन जैसे कि वो दिखाना चाहते हैं हमारा सनातन धर्म में कितना राम को भी राम भक्त भी है, वही दिखाना साबित करना चाहते हैं उन लोग भी, और हमारा देशवासियों ने मदद करेगा, मुझे विश्वास है। इसमें मैं भी जाने वाला था, प्लान बना रहे थे 5 महीने से, लेकिन मैं भी जाने वाला था, हिस्सा लेने वाला था पैदल यात्रा में। सो मैं प्रॉब्लम की वजह से मैं जा नहीं पाया, इसीलिए सॉरी साजन को, हम जाएगा सोच रहा था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम है कि मेरा बहुत काम है, इसलिए मैं जा नहीं पाया। अभी फिलहाल मैं हमारा बापला गाँव का जो अशोक का फुटबॉल टीम है, उधर का भी कैप्टनसी हूँ मैं। माजुली में हमारा फुटबॉल खेल चल रहा है, तो हमारा सेमीफाइनल भी खेलने जा रहा है, और मेरा थोड़ा सा काम, इसलिए मैं जा नहीं पाया। थैंक यू। और हमारा असम के लिए वो राम मंदिर अयोध्या में जाके सबके लिए वो प्रे करेगा, विश्वास से उन लोग को सपोर्ट कीजिए। और मन में तो आप लोग को देखा ही होगा, भगवान श्री राम की जो सीता माँ देवी को लेने के लिए हमारा हनुमान जी गए थे श्रीलंका पे, संकट मोचन महाबली हनुमान इसलिए कहते हैं वो, और ऐसे ही राम जी का भक्त है वो, और ऐसे भी देवेंद टाइट और जो साजन को दौले है हमारा नोटिस में भी आज भी जिंदा है, जी राम जी का भक्त है सनातन धर्म में, वही साबित करने के लिए पैदल यात्रा पर निकला है। सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करना गाइस, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, जो आप दोनों ने ऐसा बड़ा कदम उठाया है। थैंक यू, ब्लेसिंग रहेगा। और मैं आप लोगों को उन दोनों का
कितने कैसे उन लोग का उन दोनों कैसे पैदल यात्रा कर रहा है, उन लोग वीडियो क्लिप मुझे भेज दिया है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कितना मुश्किल हो रहा है, कितना क्या हो रहा है रास्ता पे, मैं आप लोग को दिखाएगा मेरा ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल के जरिए। सो गाइस पहले उन दोनों का हालत देख लेते हैं, सो लेट्स गो। भाई लोग अभी बाय बाय कहना पड़ेगा, गुवाहाटी वहाँ पे रह गया है, ये देख सकता है ये हो रहा है ब्रिज। हम लोग अगेन जा रहा हूँ अभी गुवाहाटी को बाय बाय करने के लिए, गुवाहाटी को बाय बाय करके जा रहा हूँ। ये देख सकता है हम लोग का ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र है भगवान, हमें आशीर्वाद चाहिए आपका, हमें आशीर्वाद देना। हम जा रहा हूँ अयोध्या राम मंदिर पे, बस हमें दुआ करना हम सही सलामत से वहाँ पे पहुँच सके। तो देख सकता है यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है, देखो ये हो रहा है। आलोक बारी को बाय बाय करके एंट्री होने वाला है अबीन गांव पे, और ये देख सकता है आज का जो मेरा लुक है ना, मैं हम लोग का मामलार बोलता है इसको, हम लोग घर को बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से लगाया हूँ क्योंकि धूप इतना दे रहा है क्या ही बोलूँ। और ये गामसा को यहाँ पे लिया हूँ, और मेरा कोई व्यूअर्स, मेरा पुराना व्यूअर्स को पता ही कि मैं धोती पहन के मुझे बहुत अच्छा लगता है बोल के, इसलिए मैंने धोती पहन के जा रहा हूँ, तो खुशी खुशी से जा रहा हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार और सबका जरूरी है, देख सकता है यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। अगर यहाँ से देखेगा ना ब्रह्मपुत्रों का यहाँ पे बहुत ही मतलब भरा होता है, हम लोग का जहाँ पे ये बोगीबिल ब्रिज होता है ना उससे भी यहाँ पे भरा जैसा दिखाई देता है भरा। तो आगे में उमानंद मंदिर भी है, तो देख सकता है यहाँ का नज़ारा, और यहाँ पे इतना बिजी रहता है क्या ही बोलो। दिस इज गुवाहाटी, दिस इज अमीन गांव। बाय बाय गुवाहाटी, लव यू गुवाहाटी, मिस यू गुवाहाटी। देखो मेरा पैर का कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गया है, अभी मतलब चप्पल भी पहन नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है पूरा, देखो ऐसा हो गया है। यही नहीं, दोनों पैर का कंडीशन ही इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे बैंडेज लगाया था, यहाँ पे हैंडी प्लास लगाया था प्लास बैंडेज, फिर भी नहीं रोक रहा है। कोई दिक्कत नहीं, खुद का सेफ्टी देखना पड़ेगा। अभी सॉस पहन लिया हूँ, अभी ये पहन के जाने वाला हूँ, इतना दर्द हो रहा है क्या ही बोलूँ। यहाँ पे हम लोग का सीताराम, आज कितना और कितना किलोमीटर जा पाएगा पता नहीं, ये मेन रूट है, हम लोग का मेन रूट है ऊपर साइड, और ये मेन रूट का साइड में हम बैठा हुआ है ये जगह। तो हम लोग कमाईका से निकल बारी और अमीन ऑफिस कामरूप असम, तो हम लोग शायद कामरूप पे हूँ, अभी कामरूप पे अभी आ गया होगा शायद, अभी मतलब टाइम 4 बज गया है, तो 7 बजे तक आज मतलब टारगेट दिया हूँ, 7 बजे का बाद क्या होता है पता नहीं, फिर अभी भी एंड नहीं करूँगा, जब वहाँ पे पहुँचूँगा तभी एंड करूँगा, वीडियो में बने रही है। ये छारियाली नहीं, लेकिन इसको भी बाया हाथा बोलता है, ये हम लोग का भोले बाबा का मंदिर है, ये बहुत स्पेशलिटी है, ऊपर दिखा रहा हूँ पूरा पेन ही पेन, और यहाँ पे बड़ा सा एक इसको क्या बोलता है डुल्लू या धूल बोलता है ना, ये भी है दो दो, और यहाँ पे बहुत सारा ये पेन लगाया हुआ है, लाइट का फैसिलिटी बराबर है। मंदिर को बंद करके रखा है, और यहाँ पे गंदी है, बाबा जी की जय हो, यहाँ पे भी बाबा जी की जय हो। मैं मम्मी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये मंदिर है मतलब यहाँ पे सेफ्टी है बोलता है, आज यहाँ पे रहने वाला हूँ भोले बाबा का साथ, यहीं पर हम लोग पेन लगाने वाला हूँ, यहाँ पे पेन वगैरह भी है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और पेन लगाने का टाइम भी देखा होगा।
दादाजी लोग कभी देखा नहीं होगा तो अच्छा से देखा रहता हूँ। ये सेम देख सकता है, ये ओपन हो गया। तो अभी यहाँ पे देख सकता है, ये यहाँ पे अंदर दो दो दरवाजा है। ये अगर मतलब आप हवा लेना चाहता है तो ये, और अगर हवा नहीं चाहिए तो वो पे गाय लेते रहो। यहाँ पे आराम से ले सकते हैं ऐसे। ये लेटने का जगह है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से दो आदमी ले सकते हैं। तो हम लोग का घर रेडी, मतलब ऊपर और एक घर है, घर का नीचे और एक घर है। अगर यहाँ पे कल अगर यहाँ पे मॉर्निंग को कल पूजा करने वाला पुजारी लोग जल्दी आता है तो ये जो हम लोग का घर है ना, इसको कहीं पे भी आप सेटिंग कर सकता है। तो ये कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग नहाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए।